हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द प्रियंका। अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे स्टार्ट होता है वी द पीपल। हाँ, वी द पीपल मतलब जो सारी अथॉरिटी है वो लोगों के पास है। हाँ, अब आपको कहोगे पता है ना, मालूम है मालूम है। अच्छा तो मैं यहाँ से रिलेवेंस देना चाहती हूँ। देखो, अगर हमारी कंट्री का ग्रैंड नॉर्म जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल ये बात कह रहा है कि जो अथॉरिटी है लोगों के पास है, मतलब ये तो तय है कि ये जो कंट्री है यहाँ पे जो लॉ है ना, मतलब जो यहाँ पे पैरामाउंट लॉ होगा, मतलब सबसे ज्यादा किसी चीज को तवज्जो दी जाएगी, इम्पोर्टेंस दी जाएगी, वो होगा लोगों का वेलफेयर। राइट, समझ आ रहा है इस बात से? ये तो इसी के ऊपर हमारे मैक्सिम बेस्ड है, सेलेस पॉपुलाइज सुप्रीमा लेक्स। मतलब कंट्री का जो पैरामाउंट लॉ है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लॉ बना है किस लिए बना है? लॉ लोगों के फायदे के लिए बना है, वरना क्या जरूरत थी इतनी सारी मेहनत करने की, सब चीजें लिखने की? किस लिए? कोई भी जरूरत नहीं थी। वो किस लिए बना है? लोगों के फायदे के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, जिससे कि लोग अपनी चीजें, लोगों के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट हो तो कोर्ट में जा सके, इन सब रीजंस की वजह से बना है। सेम वैसे ही जैसे बे ऑफ लॉ बना है जस्ट फॉर सर्विंग यू ऑल। राइट, तो अब अगर आप लोग और इसके बारे में थोड़ा समझना चाहोगे तो एक केस लॉ भी मैंने मेंशन कर रखा है जहाँ पे कोर्ट ने बात कही थी कि जो वेलफेयर है लोगों का वही सुप्रीम लॉ है, और ये सिर्फ तभी मिल सकता है जब जस्टिस जो है वो लॉफुली दिया जा रहा है लोगों को, जुडिशियली दिया जा रहा है ना, पार्शियलिटी नहीं करी जा रही, तो ही तो लोग का भला हो पाएगा ना, अगर लॉ सही से फॉलो होगा तो। इसके लिए लॉ तो ये पॉसिबल कब है? जब लोग लॉ में अपनी रिस्पेक्ट दिखाएंगे, लॉ को अपनी रिस्पेक्ट दिखाएंगे। अगर आप लोग आर्टिकल 21 की बात करेंगे वो भी इस चीज़ को फॉलो करता है। अब आर्टिकल 21 का कितना इंटरप्रिटेशन हुआ है ना, जैसे राइट टू हेल्थ एनवायरनमेंट, राइट टू स्लीप, है ना, मतलब आर्टिकल 21, राइट टू स्पीडी ट्रायल, क्या क्या नहीं आता आर्टिकल 21 में। मतलब उस मतलब वो लगता है ना कि कभी उस पर फुल स्टॉप लगने ही वाला नहीं है, उसे इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो उसे इस तरीके से इंटरप्रेट क्यों किया जा रहा है? लोगों के ही तो वेलफेयर के लिए, सारे वेलफेयर लॉज हमारे इसी में तो बन रहे हैं। ये तो था हमारा आर्टिकल 21 में इसका मतलब, इस मैक्सिम कंस्टेंस। अब मैं आपको एक और सेक्शन में दिखाऊंगी इस मैक्सिम कंस्टेंस, जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123। वो ये कहता है, हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें जो भी गवर्नमेंट डिसीजन देती है, जो भी काम गवर्नमेंट करती है, वो सब लोगों को बताया जाता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जाती है। इसी चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप RTI फाइल करके गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है जो कि लोगों के साथ नहीं शेयर करते, लोगों की ही भलाई के लिए। गवर्नमेंट अपनी सारी फंक्शन तो नहीं शेयर कर सकती ना, वी ऑल नो दिस थिंग। तो ऐसे चीज़ को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? सेक्शन 123 जो है, सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ें नहीं शेयर करेगी? डेमोक्रेसी तो ये कहते हैं कि सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लाओ। देखो, ये कह उसको सपोर्ट जो है इसी मैक्सिम से मिलता है। ये मैक्सिम जो कह रहा है वो ये बात कह रहा है कि जो पैरामाउंट लॉ है वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसके बाद है बाकी सारी चीज़ें। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपानी भी पड़ रही है लोगों के ही वेलफेयर के लिए, तो उसे क्यों नहीं छुपाया जाए? ठीक है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन छुपा के लोगों का ही फायदा हो रहा है, लोगों का ही वेलफेयर हो रहा है, तो बिल्कुल उस इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलेस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स। सो हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ हो, सो बे ऑफ लॉ इज ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, यू जस्ट ऑर्डर इट। हरे कृष्णा।